भारतीय हॉकी टीम ने दिवाली के मौके पर देश को तोहफा देते हुए एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को 3-2 से मात दी है। दोनों ही टीमों के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला, लेकिन आखिरी में बाजी भारतीय टीम ने मारी। भारत के लिए रुपिंदर पाल सिंह, अफ़ान यूसुफ और निकिन थिमैया ने बेहतरीन गोल दागे, जबकि पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद अलीम बिलाल और अली शान ने गोल दागे। रुपिंदर ने मैच के 18वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल कर भारत को बढ़त दिलाई। पहला क्वार्टर भारत के नाम रहा। दूसरे क्वार्टर में अफ़ान यूसुफ ने 23वें मिनट में फील्ड गोल के जरिए भारत की बढ़त को 2-0 पर ला दिया। पहले हाफ में बढ़त ले चुकी भारतीय टीम दूसरे हाफ में थोड़ी ढीली नजर आई, जिसका फायदा उठाने से पाकिस्तानी खिलाड़ी चूके नहीं। अलीशान ने मैच के 38वें मिनट में बेहतरीन फील्ड गोल कर पाकिस्तान को 2-2 से बराबरी पर ला दिया। स्कोर बराबर होने के बाद दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। दोनों टीमों ने चौथे निर्णायक क्वार्टर में बढ़त लेने के लिए जोर आजमाई शुरू कर दी। मैच के 51वें मिनट में पाकिस्तानी गोल पोस्ट के बाईं ओर मौजूद निकिन थिमैया को सरदार से बेहतरीन पास मिला, जिसे उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ पाकिस्तानी गोलकीपर के जरा सा ऊपर से गोल पोस्ट की राह दिखा दी। इसी के साथ भारत की जीत सुनिश्चित हो गई। तो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को दूसरी बार हराया है और खिताब पर कब्जा जमाकर भारत ने दिवाली की खुशी को दोगुना कर दिया है। देखते रहिए डीपी लाइव।